कार दोस्तों, ये हमारे चैप्टर टू का लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 3 होगा। देख लेते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख एंड 20,000 आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ऑल्सो इनकर्ड 5,000 फॉर फ्राइट चार्जेस। तो यहाँ पर है क्या, हमने एक मशीनरी खरीदी ₹1 लाख की, ₹20,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए दिए और ₹5,000 उसके फ्राइट चार्ज मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए दिए। तो इसकी पहले एंट्री क्या होती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। तो आइए पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं कि यार मैंने यहां पर 1,25,000 से एंट्री क्यों करी। तो यहां पर जो 1,25,000 रुपीज है वो कैसे मिलके बने, वो बने 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या होता है कि जब भी हम कोई मशीनरी या फिर कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, जब भी हम कोई मशीन या फिर बिल्डिंग खरीदते हैं, दोनों चीज की बात कर रहा हूँ, मशीन या फिर बिल्डिंग, तो इसमें क्या होता है, इनको खरीदते वक्त जो भी खर्चा आता है इन्हें खरीदते वक्त जो भी खर्चा आता है इनको खरीदने में, वो सारे खर्चे भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने करा कि जो ₹20,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज था वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करा, और ₹5,000 का जो चार्जेस थे जो मेरे फैक्ट्री तक लाने के लिए लग रहे थे वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर होती है कि जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं तो उसको अपने प्रीमाइसेस तक लाने के लिए, अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, उसे सेटअप करने का, उसे स्टार्ट करने तक का जो भी खर्चा हो रहा है, वो सब मशीन की कॉस्ट ही हम मानते हैं और मान के चलते हैं कि टोटल मशीन हमें उतने रुपए की पड़ी। जैसे कि यहां पर मुझे वो मशीन कितने की पड़ी, 1,25,000 की। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ठीक है, ठीक इसी तरीके से बिल्डिंग का भी हम समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपने कोई बिल्डिंग खरीदी ₹1 लाख की, और 1 लाख नहीं मानते, 5 लाख रुपए की मानते हैं, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी 5 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए लग गए उसकी रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आपको टोटल बिल्डिंग कितने की पड़ी, उसकी कॉस्ट कितने की हुई, 6 लाख रुपए की। क्लियर हुआ? तो आप उसकी जब एंट्री करोगे तो क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैश या बैंक अकाउंट 6 लाख। क्लियर हो रहा है आप लोग को? तो आई थिंक आपको ये लॉजिक क्लियर हो चुका होगा कि जब भी हम कोई मशीन या बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसको, मशीन अगर बात करें तो मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाने तक इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी खर्चा लगेगा वो सब मशीन की कॉस्ट में ही हम इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉट 100 शेयर्स इन भरत लिमिटेड एट द रेट ₹15 पर शेयर, ब्रोकरेज पेड ₹30। तो यहां पर क्या है, मैंने शेयर्स खरीदे कितने रुपए के, तो हर एक शेयर ₹15 का खरीदा, ऐसे 100 शेयर्स खरीदे और उसके लिए ब्रोकरेज कितनी पे करी, ₹30। तो दोस्तों यहाँ सेम वही एंट्री है, वही लॉजिक होने वाला है जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर क्या है, हमने 100 शेयर्स खरीदे, हर शेयर ₹15 का, तो कितने रुपए के, ₹1,500 के। ठीक है, प्लस ब्रोकरेज कितने की पे करी, ₹30 की, तो 1,530 टोटल इसकी कॉस्ट हो गई। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ देख लेते हैं। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, तो 1,530 और 1,530 से। क्लियर हुआ? तो हमने टोटल उसकी कॉस्ट क्या मान ली, टोटल हमने उसकी कॉस्ट मान ली 1,530 की, शेयर हमको कितने रुपए के पड़े, 1,530 को पड़े। ठीक है, अब डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई ये तो बाद, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुका है अब कि एसेट बढ़ता है तो डेबिट। अभी तक मैंने सारी सीरीज में यही बताया, आपने अगर वो अभी तक ना देखी हो तो ऊपर भी एक कार्ड जो है वो यहाँ पर स्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारे लिंक दिए हुए, नहीं तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक दिए, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैश या बैंक को अपने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि भैया यहाँ पर एसेट कम हो रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेसिक हो चुका होगा, अगर आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत बेसिक हो चुकी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और नहीं जुड़े तो प्लीज ये वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर भी दिया और नीचे भी, दोनों जगह। ठीक है, अगली एंट्री देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगली एंट्री क्या है, वही की वही चीज है, इस बार हम 40 शेयर्स बेच रहे हैं भरतियम लिमिटेड के ₹18 पर शेयर के हिसाब से, और ब्रोकरेज कितनी पे कर रहे हैं, ₹15। तो यहां पर देख लेते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री सिंपल सी हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट 705 टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट,
705। तो अब आप सोच रहे होंगे 705 कहां से आया, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले 40 शेयर्स थे, हर शेयर कितने रुपए के थे, 18 रुपए के। तो ऐसे कितने रुपए का हो गया टोटल, 720 रुपए का। मतलब मुझे मिलना कितने चाहिए थे, 720 रुपए। बट यहां पर मैंने ब्रोकरेज पे करी 15 रुपए का, तो यहां पर कितना बचा मेरे पास, 705 रुपीज, इतना बच गया। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर बेचते हैं तो उसके बेचते वक्त जो भी हम ब्रोकरेज पे करते हैं वो उसकी हम सेलिंग प्राइस में से कम कर देते हैं। मतलब हम ये मान के चलते कि नेट हमें कितना मिला, 705 रुपए। और होता भी ऐसा ही है कि भैया देखो वो शेयर तो बिका 720 रुपए का, तो हमें इसके बदले, हमारे शेयर के बदले कितना मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था 720 रुपए। लेकिन दोस्तों हमने उसके लिए ब्रोकरेज भी तो पे करी ना, तो वो ब्रोकरेज क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे और ये मान के चलेंगे कि शेयर के बदले हमें कितने रुपए मिले, तो शेयर के बदले हमें मिले 705। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज, तो टोटल हमें इतना पैसा मिल गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब अगर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसको, अपने ओनर को। किस चीज के बदले में, कैपिटल के बदले में। उसने कैपिटल कितने रुपए दिया था, 1,00,000 रुपए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैपिटल क्या होता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, बिजनेस के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा ओनर या हमारा मालिक होता है वो हमें कुछ पैसे देता है। ठीक है, ये ओनर है, तो ये ओनर क्या करेगा, बिजनेस को कुछ पैसे देगा। अब ओनर जो भी बिजनेस को पैसा देता है उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक है, अब ओनर क्या करता है इस कैपिटल के बदले में, अब ये कैपिटल तो उधारी हुई, ठीक है, अब उधारी के बदले क्या मिलता है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से जो बिजनेस है वो इसके बदले अपने ओनर को क्या देगा, वो इसके बदले अपने ओनर को देता है इंटरेस्ट या फिर ब्याज। ठीक है भाई, प्रॉफिट एक अलग चीज है और ये एक इंटरेस्ट अलग चीज है, इसको मिक्स मत करिएगा। प्रॉफिट अलग है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग चीज हो गई। ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्याज की तरह होता है, जो हम किसी से अगर उधार लेते हैं जो उसके बदले में से चुकाते हैं, ये वो चीज है। तो यहां पर बिजनेस क्या करेगा, अपने ओनर को कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहां पर जो इंटरेस्ट पे करा जाता है वो हो जाता है हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो यहां पर इसकी एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर 1,00,000 का 10%, मतलब कि 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि यार यहां पर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा। तो देखिए, लॉजिक इसका ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि पहले ओनर को कितने रुपए देने थे, 1,00,000 रुपए। अब ब्याज कितने का देना है, 10,000 रुपए का। तो टोटल हमने कैपिटल और कितना रेस कर दिया, 10,000 रुपए से। मतलब कि अब हमें ओनर को कितने देने पड़ेंगे, टोटल 1,00,000 तो ये और 10,000 रुपए ये। ठीक है, तो हमें अब ओनर को कितने रुपए देने हैं, 1,10,000 रुपए। दैट्स व्हाई हमने कैपिटल को कर दिया क्रेडिट, मतलब हमने अपनी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ा ली। ठीक है, बिजनेस ने अपनी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ा ली। क्लियर हो रहा है? तो अब हमको टोटल कितने देने हैं ओनर को, 1,10,000 रुपए। ठीक, अब इसी पे देख लीजिए, यहां पर उसका उल्टा होता है। ड्रॉइंग्स, अब यहां पर हमें इंटरेस्ट मिला ड्रॉइंग्स पे 2,000 रुपए का। तो ड्रॉइंग्स क्या होती है भाई, ओनर जो भी पैसा बिजनेस से लेके जाता है अपने पर्सनल काम के लिए, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि बिजनेस जो पैसा ओनर को देता है उसके पर्सनल काम के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो अब क्या करेगा भाई, बिजनेस जैसे कि ओनर हमसे इंटरेस्ट लेता था, तो बिजनेस भी क्या करेगा, ओनर से इंटरेस्ट लेगा इस ड्रॉइंग के बदले में। ठीक है, तो इसे बोल दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब इसका सेम वैसी ट्रीटमेंट होता है जैसे हम किसी और को अगर कोई पैसा वैसा देते और उसके बदले अगर ब्याज लेते हम, तो उसको हम क्या मानते हैं, अपनी इनकम। तो यहां भी क्या होगा, हमने जो अपने ओनर को पैसा देके रखा हुआ है जिसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, उसके बदले हम उसे क्या बोलेंगे, पैसा लेंगे। उसके बदले हम उसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इनकम। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 2000। यहाँ पे सीधा अमाउंट दे दिया था, अगर यहाँ पर कोई परसेंटेज देते तो हम पहले उसको
जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 1,10,000 तो वैसे करते यहाँ पर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था, सीधा अमाउंट 2,000 रुपये दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इंटरेस्ट को मान लिया अपनी इनकम, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और हमने यहाँ पर ड्राइंग्स को भी बढ़ा दिया, मतलब कि अब हमें ओनर से कितने रुपए लेने हैं, तो पहले जितने भी लेने होंगे, पहले मान लिया एक्स लेने थे तो अब उसमें से 2,000 और जोड़ देंगे, मतलब इतना अमाउंट और हम उससे लेंगे, एक्स नहीं है मान लीजिए आप 10,000 रुपये मान लीजिए, तो पहले मान के चलिए 10,000 रुपये लेने थे तो अब 2,000 का ब्याज भी हम उससे लेंगे, मतलब टोटल कितने रुपये लेंगे उससे हम 12,000 रुपये, इसलिए हमने ड्राइंग्स को बढ़ा दिया 2,000 से, क्योंकि इतना पैसा और हम लेंगे, किससे लेंगे, अपने ओनर से। क्लियर हो रहा है, पक्का? कोई डाउट आता है पूछ लेते कमेंट करके, इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। इसके बाद है पेड 200 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ फॉर अ कस्टमर। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे रोजमर्रा के बिजनेस में कभी कस्टमर आ गया तो उसे कुछ चाय पिला दिया, नाश्ता करवा दिया, जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलवा दिए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो देखिए वो सब जो होते हैं वो हमारे होते हैं छोटे मोटे खर्चे, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो हमारे एक्सपेंस हैं, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, उसके बदले आप क्या पे कर दोगे, कैश या कैश पे करोगे, उसके लिए बैंक कम हो, ठीक है ये सब पे करोगे तो ये एसेट हमारा कम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट, इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। तो इसको यार अब हम अलग से खर्चों का नाम दे देंगे, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 200 रुपये 200 रुपये, सिंपल सी इसकी ये एंट्री होने वाली है। ठीक है, हम इसको नाम दे रहे हैं मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं दे रहे हम, इसके बहुत सारे खर्चों को एक साथ, जैसे जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5,000। अब यहाँ पर डाउट आता है कि यार ये डेप्रिसिएशन क्या है, कैसा है, तो ये सब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, अलग से पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन के ऊपर, तो हाल फिलहाल बस मैं आपको इसकी एंट्री बताने वाला हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी इसकी मैं पूरी पूरी एक चैप्टर जो है वो लेकर आऊंगा, पूरा चैप्टर आपको डिस्कस करेंगे, इसी के ऊपर है पूरा चैप्टर। तो यार सिंपल सा अभी है कि यार एक 5,000 रुपये का फर्नीचर था, अभी ये मान के चलिए कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है फिलहाल ये मान के चलिए। ठीक है, तो कितने का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो 5,000 रुपये पर 10% का, मतलब कि 500 रुपये का खर्चा हो रहा है, तो ये खर्चा है, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है तो ये बढ़ रहा है तो डेबिट ₹500 टू। अब यहाँ क्रेडिट हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन जब भी आप करते हो तो हमेशा वो जो फर्नीचर या जिस चीज़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है वही चीज़ हमेशा क्रेडिट होती है। अभी क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे डाउट बताइए, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।